नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। देखिए, आज हम जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आयोग से मिल पाई है उसको आप सभी लोगों के सामने डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ क्या उन सोर्सेज को रखा जाएगा जो बराबर जो कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से कवर किया जाए, घटना चक्र में किस हद तक किस चीज़ को कवर करना है, उसके साथ ही साथ पीवाईक्यू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपडेट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखा जाएगा, कोशिश करेंगे कि 4 से 5 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट हो जाए और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी आप लोग तक पहुँचा दी जाए उस चीज़ को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो इस समय जो सबसे जो एक्सपेक्टेड डेट आया है, हो सकता है कि आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर अभी तक इसे जो कोई ना बताया हो, क्योंकि जो अपडेट ये मिली है आयोग से, मतलब ये आज ही कल के अंदर में हमें मिली है, तो उस चीज को आप लोगों के सामने उसको रखा जा रहा है। देखिए, दूसरी चीज किसमें बराबर कई बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि आप लोग इन लोगों का कंटेंट लेकर पढ़ते हो, तो आप लोग उन लोग का कंटेंट लेकर पढ़ते हो, ऐसी भाई कोई बातचीत नहीं है। जो कोई भी टीचर किसी को भी ऐसे अचानक रातों रात सपना नहीं आ जाता है कि हाँ एग्जाम की डेट ये होने वाली ये होने वाली है, सभी लोग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को लेते हैं तभी उस चीज को लेकर के हर आदमी वीडियो में अपने अपलोड करता है। ठीक है, अब हो सकता है कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद कई लोग फिर अपने यूट्यूब पे उसको बनाना स्टार्ट कर दे कि हाँ हो सकता है कि इस दिन एग्जाम हो जाए, इस दिन एग्जाम हो जाए। तो इसमें ऐसे ही से बोलने के बजाय कि आप लोग यहाँ से कंटेंट ले रहे हो, वहां से कंटेंट ले रहे हो, आप लोग बस अपने काम की उसमें चीज निकालिए, वो काम चीज आप लोग को मिल जाती है, फिर आप लोग वहां से वीडियो से आप लोग बाहर आराम से निकल सकते हैं और आप लोग को जो भी काम है आप लोग उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में सब बिना मतलब का कोई बात करने का कोई मतलब उसको कोई तर्क नहीं बनता है, वहां से अपना समय को बचा करके आप लोग उसको अपने पढ़ाई में लगाइए। तो चलिए वीडियो को आज कुछ स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या लिख के रखे हैं कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट इस समय आयोग से पता चल पा रहा है आप लोग के पीसीएस एग्जाम के लिए और आर ओ आर ओ के लिए भी। तो पीसीएस के लिए जो आप लोग का सबसे जो इस समय मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट आ रहा है एग्जाम होने का, वो हो रहा है 10 नवंबर। ठीक है, ये मान के चलिए कि ये 99% तक की जो न्यूज है ये करेक्ट न्यूज रहेगी। ठीक, क्या पता चल रहा है कि 10 नवंबर को होगा कौन सा एग्जाम, पीसीएस का प्रीलिम्स 10 नवंबर को, और आरओ यारओ को जो आप लोग का री एग्जाम का डेट आ रहा है ये या तो 20 या फिर 22 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो ये अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आयोग से जो आ पा रही है कि जो पीसीएस का एग्जाम आपका रहेगा, हो सकता है क्या, मतलब होना ही है 10 नवंबर को इसका डेट आएगा एग्जाम का प्रीलिम्स का, और आरओ यारओ का कब हो सकता है 20 या 22 दिसंबर को। ठीक है, रही बात कैलेंडर की, तो कैलेंडर भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि या तो इसी वीक में, ठीक है, या तो फिर नेक्स्ट वीक में आपका कैलेंडर आ जाएगा। ठीक, और उसमें आप लोग क्या डेट देखोगे, पीसीएस के प्रीलिम्स कब होगा 10 नवंबर को, और आरओ आरओ का एग्जाम कब होगा 20 या 22 दिसंबर को। ठीक, इसके बाद अगले न्यूज को आप देखिए, इसी साल पीसीएस जे की भी आपकी वैकेंसी आएगी और इसी साल वो कंप्लीट भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए पीसीएस जे की जब भी वैकेंसी आती है तो हाईकोर्ट का एक ऑटोमेटिक एक प्रेशर होता है आयोग के ऊपर कि अब सारे एग्जाम को दरकिनार करते हुए कम से कम इस पीसीएस जे के एग्जाम को 5 से 6 महीने के अंदर में उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो अगर लोग उसकी वैकेंसी को अगर जून में रिलीज भी करते हैं तो आयोग पूरे तरीके से कोशिश करेगा कि इसको हम लोग कम से कम दिसंबर तक उसको पूरे तरीके से फाइनल कर दें। तो ये आप लोग मान के चलिए कि जो वैकेंसी होगी पीसीएस जे की, ये आप लोग की इसी साल में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी कंप्लीटेड बाय दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो पीसीएस जे की वैकेंसी आएगी भी और पीसीएस जे की वैकेंसी इसी साल खत्म भी हो जाएगी दिसंबर तक, मतलब पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी 5 से 6 महीने के अंदर में। आगे देखिए, कैलेंडर की हमने बात कर ही ली कि जल्दी ही आ सकता, हो सकता है कि इस हफ्ते में भी आ जाए। ठीक, इस हफ्ते में अगर ना भी आ पाए तो मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में तो निश्चित है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके पहले हम लोग को पता चल रहा था कि इलेक्शन के बाद आएगा, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आएगा, या फिर 1 जून के बाद या फिर 4 जून के बाद, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि कैलेंडर लगभग लगभग पूरे तरीके से रेडी है, पूरे तरीके से चीजें प्रोसेस में आ चुकी हैं, उसको इसी हफ्ते में या फिर मैक्स टू मैक्स अगले हफ्ते की स्टार्टिंग 2-3 दिन के अंदर इसको क्या किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद रही बात आप लोग के करंट अफेयर्स की, तो देखिए अब आप लोग एग्जाम जो होगा शेड्यूल्ड वो नवंबर और दिसंबर में होगा। ठीक है, तो नवंबर के कंपैरिजन में आप लोग फरवरी से और दिसंबर के कंपैरिजन में आप लोग मार्च से करंट अफेयर को डिस्कस करें ना, मार्च से लेकर के पूरा दिसंबर तक और उसमें फरवरी से लेकर के पूरा नवंबर तक, मतलब कि जो आप लोग को डेडलाइन दी जा रही है वो कब की दी जा रही है, लास्ट 8 मंथ की रहेगी। ठीक, लास्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर आपका रहेगा वो पूरे तरीके से बाय हार्ट होना चाहिए पीसीएस के लिए, कम से कम चले ठीक है उसको जनवरी से रख ली, जनवरी से लेकर के नवंबर तक, और आरओ आरओ के लिए कब से रखना आप लोगों को, फरवरी से लेकर दिसंबर तक या फिर मार्च से लेकर दिसंबर तक। जो मोस्ट जो प्रोबेबल जो रहती है, जो एक्सटेंशन रहती है, वो 8 महीने की रहती है, कई जगह पे 6 महीने में बताया जाता है, लेकिन 6 महीने में क्या होता है ना, जैसे अगर आप लोग को 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे तो 30 में से मान के चलो आपकी 20 से लेकर के और 21 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग लास्ट 6 मंथ के रहेंगे, और बचे 8 से 9 क्वेश्चन आप लोग लास्ट 2 महीने के भी मिल सकते हैं, मतलब कि उधर लास्ट 8 महीने के। तो आप लोग कम से कम लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर लेकर के चलना है, चाहे पीसीएस एग्जाम हो चाहे फिर आरओ आरओ का एग्जाम हो। और इसके बाद देख लीजिए घटनाचक्र, घटनाचक्र बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है यूपीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। ठीक, किस चीज के लिए, यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर आपका कमांड घटनाचक्र पे नहीं है तो चीजें फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। किसी भी अगर घटनाचक्र को ले लीजिए, इससे मैं लेटेस्ट में तो 2024 वाले मिल रही होंगी, इनको लेकर जिस भी टॉपिक को आदमी पढ़ रहा है, चाहे कोचिंग में या फिर खुद से या फिर सेल्फ स्टडी में,
उस चीज को, उस टॉपिक को लेकर के इंस्टेंट वो घटना चक्र से कंप्लीट कर ले, तो फिर वो चीजें क्या होंगी, लाइफ टाइम के लिए, फिर जब तक उसका एग्जाम हो रहा है उसको चीजें वो बाय हार्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज, जब पढ़ाई करते हैं घटना चक्र से जो चीज आप पढ़ रहे हो फिर डिस्कस कर रहे हो, उसको कोशिश करना है कि उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है। तो घटना चक्र जो पैटर्न होता है, मान के चलो कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे कि आप पढ़ रहे हो टॉपिक गांधी, ठीक, अब गांधी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे मानिए कि आपका एक नंबर का जो क्वेश्चन रहा, अब ये रिपीटेड कम से कम सेम यही पैटर्न रिपीट होते आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तक, सेम क्वेश्चन रहेगा। तो आपने नोट्स में क्या बना लिया, पहले क्वेश्चन को आपने लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा, उसके सामने उसका आंसर लिख लिया, ठीक। उसके बाद जब अगला क्वेश्चन आप देखोगे जब लगातार 8-9 तक सेम रिपीट हो रहे हैं, तो उसका जो अगला जो क्वेश्चन आप सीधा जो होगा 10 नंबर पे, अब जो 10वां क्वेश्चन होगा वो कम से कम रिपीट होते हुए चला जाएगा कम से कम क्वेश्चन नंबर 18-19 तक, सेम क्वेश्चन रहेगा वो। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर आप घटना चक्र से अगर आप 100 क्वेश्चन देखते हो तो उन 100 क्वेश्चन में से आपके पास 12 से 13 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि मतलब ये ऐसे रहेंगे कि इन्हीं सभी का एक्सटेंशन रहेगा पूरे 100 क्वेश्चन में। तो इन 12-13 को अपलोड कर लीजिए और इनको अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, तो कम से कम आपकी वो टॉपिक उस 12 से 13 क्वेश्चन के अंदर पूरे तरीके से अच्छे से क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग अपडेट देना था इसके एग्जाम से रिलेटेड कि जो सबसे एक्सपेक्टेड डेट इसमें पीसीएस की आ रही है, कब आ रही है, 10 नवंबर को, और आरओआर की कब आ रही है, 20 या 22 दिसंबर को हो सकता है, ठीक। और उसके बाद जो रही बात इनकी मेंस की, तो ये जो 10 नवंबर को जो एग्जाम दिया जा रहा है तो इसका मेंस कब जाएगा, सीधे मार्च में जाएगा, ठीक है, मार्च या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग। और आरओआर का अगर दिसंबर में कंडक्ट करा लेते हैं जो कि होने के पूरे चांसेस हैं ही, तो इसका कब हो जाएगा, या तो अप्रैल का एंड या फिर मई की स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी और अगर अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट के माध्यम सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।